ग्वालियर नगर निगम के इको ग्रीन कंपनी के 485 कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, जिसके बाद निगम आयुक्त ने हड़ताल को अवैध बताकर उसे खत्म करने का आदेश दिया। काम पर वापस नहीं लौटने पर एक पक्षीय कार्रवाई की बात की है, जिसके बाद इको ग्रीन कर्मचारी भड़क गए। उन्होंने सभी निगम के डिपो पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निगम की गाड़ियों के आगे लेट कर प्रदर्शन दर्ज करवाया है। सैलरी का साफ इशू है ये हमारा। तो आपने नगर निगम ने आपको अल्टीमेटम भी दिया था आज ड्यूटी पे वापस जाने का। साहब हमारा वेतन नहीं आया इसलिए हम ड्यूटी नहीं गए। आज सुबह आपसे मारा पीटी वगैरह भी करी है? मारा पीटी करी साहब शैलेंद्र सिंह चौहान ने, गाली गलौज करी जाति बात के कारण। तो आपकी क्या 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 चाहते हैं साहब? हमारा वेतन चाहिए और नगर निगम की तरफ से चाहिए पीएफ चाहिए 3 साल का। अभी कोई अधिकारी वगैरह ने आपसे बात करी? अभी कमिश्नर साहब के साथ आए थे शैलेंद्र सिंह चौहान, कमिश्नर साहब बात कर रहे थे, उन्होंने किचेरा किचेरी कर दी। जब तक मेरा नाम विकास यादव है, मैं इको ग्रीन संघ नगर निगम ग्वालियर अध्यक्ष हूँ 485 कर्मचारियों का। हमारा मेन मुद्दा ये है जी, हड़ताल एक ही कारण पर हुई है, वेतन के अभाव में। पिछले 3 महीने से हमें किसी भी कर्मचारी को दिवाली पे भी नहीं मिला वेतन। दिवाली से अभी ये संक्रांत निकल गई, त्यौहार निकल गया, लेकिन किसी भी भाई के यहाँ यानी त्यौहार नहीं मनाया गया, वेतन नहीं दे रहे हैं। कमिश्नर महोदय से भी हमारी चर्चा हुई है, बैठक हुई है, लेकिन वे एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि आप आउटसोर्स में जाइए, वहाँ से वेतन लीजिए। हमने पिछले विगत 3 वर्ष से किसी आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से काम नहीं किया है। शनिवार को कमिश्नर ने आपको अल्टीमेटम भी दिया था, हड़ताल पर लौटे नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। नहीं, अल्टीमेटम क्या है, तो सीधे सीधे गुंडागर्दी का माहौल जमा रहे हैं। ये जितना भी फोर्स वगैरह पूरा कर्मचारियों को दबाव डाला जा रहा है, अपनी ही जो गलतियां हैं उनको पूरा कर्मचारियों पर थोपा जा रहा है। 3 वर्ष कुछ कर्मचारियों से मारपीट वगैरह की गई है। अभी मदाकलन के जो अधिकारीगण हैं शैलेंद्र चौहान जी, उनके द्वारा हमारे 2-3 कार्य कर्मचारी हैं, हाँ, उन्होंने उनको चांटा मारा है, नीचे घसीटा है, इस तरीके की ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। कमिश्नर महोदय से हम सोच रहे, यूथ नए हैं तो हम वर्करों के बारे में मजदूर के हित में कुछ बोलेंगे, उनसे ये आशा करके आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी कर्मचारी के हित के नहीं हैं। तो आपकी अगर मांगे नहीं मानी है तो हड़ताल क्या जारी रहेगी? हमारी अगर मान्यता, हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारा वेतन डाल दीजिए, हम अभी हड़ताल तोड़ देंगे। हमारा वेतन क्यों डाल नहीं रहे? आपके द्वारा कमिश्नर महोदय यानी नगर निगम द्वारा पिछले 3 वर्ष से हमारे यहाँ वेतन आ रही है, अब कह रहे हैं ठेके से ले लो, आपके यहाँ काम किया है 3 वर्ष का पीएफ दे दो, हमारा 3 माह का वेतन दे दो, हम अभी हड़ताल तोड़ने को राजी हैं, लेकिन वे अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। यारी हड़ताल पर लगातार हैं आज, क्या इनकी मांगे हैं और क्यों हड़ताल पर कर रहे हैं? इनकी मांग ये है कि निगम सेवा में आना चाहते हैं। आरोप भी लगा रहे हैं कर्मचारी की शैलेंद्र सिंह चौहान ने मारा पीटी वगैरह करी है, घसीटा है। भारी पुलिस और निगम आयुक्त हर्ष सिंह मौके पर पहुंचे हैं, कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। इको ग्रीन कंपनी के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, साथ ही कंपनी तो छोड़कर भाग गई है। इसके साथ ही निगम आयुक्त हर्ष सिंह का कहना है कर्मचारियों को अल्टीमेटम दे दिया है, वापस लौटना होगा नहीं तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी। ग्वालियर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए वेंकटेश की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।